हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको बताऊंगी IPPB रिक्रूटमेंट के बारे में, डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस किस तरह से होते हैं, इसके टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। इससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको IPPB के बारे में इसके अपडेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे, सर्च करते हैं हम एक फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हम ये टैब में ओपन होंगे, जैसे IPPB रिक्रूटमेंट 2022, इसके नोटिफिकेशन निकल गई है, वैकेंसी, एप्लीकेशन लाइव, डेट्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी। उस IPPB के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिससे जिस भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेस पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन डेट इसका रिलीज हो गया है 10 मई 2027, इसका रेट निकल गया है, ख़त्म हो गया इसका रेट। फिर व्हाट इज़ IPPB क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी वैकेंसी कितनी है और कब ये स्टार्ट हुआ है, सब के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। IPPB का फुल फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर इसका ओवरव्यू है, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कंडक्टिंग बॉडी, इसका फुल फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, टाइप, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ एप्लीकेशन, एग्ज़ाम मोड, ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, सेलेक्शन और ऑफिशियल वेबसाइट। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन है, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म या फिर वैकेंसी या फिर एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन निकल गया है, डेट निकल गया है, तो आपको इस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा इस वेबसाइट पे। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है कि कब से कौन सा एग्ज़ाम होगा, या फिर एडमिट कार्ड का डेट है यहाँ पर, या फिर वैकेंसी का डेट, किसी भी चीज़ का यहाँ पे डेट रहता है। जैसे इंटरव्यू डेट अभी अनाउंस नहीं किया है, रिज़ल्ट जून में आएगा। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो रहेगा उनका 300 वैकेंसी है, मैनेजर है उनका 200 और टेरिटरी ऑफिसर है उनका 650। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए, वो कितना एजुकेटेड है, उन सब के बारे में, और उनकी नेशनलिटी क्या है, जैसे कि एज लिमिट, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, शुड बी 20 ईयर्स एंड 40 ईयर रिस्पेक्टिवली, वो 20 ईयर्स या 40 ईयर्स के अंदर होने चाहिए। और जैसे ऑफिसर स्केल 1, फर्स्ट है 20 ईयर टू 30 ईयर, स्केल 2 26 ईयर टू 35 ईयर्स, स्केल 3 23 ईयर्स टू 35 ईयर्स, इन सब के बीच में होनी चाहिए, उनकी एज नेशनलिटी होनी चाहिए, द एस्पिरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, द कैंडिडेट्स हु आर लिविंग इन भूटान, नेपाल एंड तिब्बत आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द IPPB एग्ज़ाम। जो भूटान के हैं, नेपाल के हैं और तिब्बत के हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी कितनी होनी चाहिए और पोस्ट होनी चाहिए, जैसे चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, वो BTech और होने करने चाहिए, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, स्केल 4th एंड 6th ऑफिसर्स, मैनेजर स्केल, सॉरी सेल्स, टेरिटरी ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2nd एंड 3rd ऑफिसर, स्केल 7th ऑफिसर, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म का डेट था 10th मई और उसका लास्ट डेट था 27th मई। फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल करना था और किस तरह आपको अप्लाई करते हैं उसको, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिए गए स्टेप्स हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस होता होगी, कितनी फ़ीस होती हैं, जैसे जनरल OBC कैंडिडेट्स का होता है 750 और SC ST PWD कैंडिडेट्स के होते हैं 150 रुपीज़।
फिर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड करना है, इसका डेट कब आया था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, जैसे नेम ऑफ द एस्पिरेंट, जो फॉर्म फिल कर रहा है उसका नेम, नेम ऑफ द बर्थ ऑफ द कैंडिडेट्स, उनका डेट ऑफ बर्थ, फिर फोटोग्राफ, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रिपोर्टिंग टाइम ऑन द डेट ऑफ द IPPB एग्ज़ाम, नेम ऑफ द सेंटर, डेट ऑफ द IPPB एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड विद IPPB एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड के साथ आपको एग्ज़ाम की डेट, आपको एग्ज़ाम के दिन ये सब भी डॉक्यूमेंट्स लाने, जैसे वोटर ID, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, फिर एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर मतलब एग्ज़ाम कौन से स्टेट में हो सकता है और कौन कौन से स्टेट में होता है, उन सब के बारे में दिया गया। जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, इन सब प्लेस पे आपका एग्ज़ाम होता है। फिर यहाँ पे है एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप के होते हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिए गए। जैसे प्रीलिम, थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, फिर है इंटरव्यू राउंड। प्रीलिम एग्ज़ाम में अगर आप पास कर लिए तो मेन एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते, सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर जैसे सेक्शन 1, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का रहता है, फिर इसका भी 35 रहता है मार्क्स, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहते हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहता है। फिर मेन एग्ज़ाम का भी रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश और हिंदी रहता है, 45 मिनट्स मिलते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जो सिर्फ इंग्लिश रहता है और 35 मिनट्स मिलते हैं, ऐसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू राउंड में आपको क्या क्या पूछा जाता है, कितने परसेंटेज आपको आने चाहिए इसमें, राउंड विल, इंटरव्यू राउंड विल नॉट बी लेस देन 40%, 40% से अगर उनका नीचे आ रहेगा तो वो इंटरव्यू के लिए नहीं होते सेलेक्ट। सिलेबस, उनको क्या क्या पढ़ना है, उनको क्या क्या इम्पॉर्टेंट है उसमें, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, किस टाइप का सिलेक्शन होता है, पहले फेज़ 1 प्रीलिम एग्ज़ाम, फिर मेन एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू राउंड के बाद उनका सेलेक्ट होता है कि कौन इसमें सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट कब निकलेगा, उसके स्टेप्स कैसे हैं, किस तरह आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट चेक करना है। उसके बाद कट ऑफ, कट ऑफ मतलब इंग्लिश क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, उनका मार्क्स 30 है, फिर उनको 7 या फिर 8 कट ऑफ मिलते हैं। फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 8 या फिर 10 मिलता है। फिर है प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है, उसकी टिप्स यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर बेस्ट बुक्स, आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऑथर कौन है, उसको पब्लिश कौन किया था, उसके बाद सैलरी एंड बेनिफिट्स, उसकी सैलरी कितनी है और आपके उसमें बेनिफिट्स कितने हैं अगर आप इसका अप्लाई करते हैं तो। फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।